हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1। हम लोग क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर नंबर सिस्टम कर रहे थे, दैट इज चैप्टर 1। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, दैट इज रिवीजन चैप्टर, रिवीजन 1, रिवीजन 2 एंड रिवीजन 3। ठीक है, उसी के साथ साथ मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, दैट इज एक्सरसाइज 1.1, 1.2 एंड 1.3। ठीक है, तो इसमें का जितना भी क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से सीखना है तो आप लोग इसका पिछला वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अच्छा क्लास। यहाँ पे बोला गया है, दैट इज एक्सरसाइज 1.4 में, क्वेश्चन नंबर 1 में, विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। अब ये जो नंबर आपको प्रोवाइडेड है, ये नंबर को आपको क्या करना है, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, और यहाँ पे नंबर लाइन में तो हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन एक प्रॉपर गैप होना चाहिए, एक यूनिट होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे तीन चार बोल सकते, तीन चार स्टेप होगा इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। सबसे पहले हम लोग लेंगे ये दो नंबर, ये दो नंबर हम लोग क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर 1 लेते हैं, दैट इज 3.7। ठीक है, अब ये 3.7 ये जो है, ये कौन सा नंबर के बीच में आता है वो आपको देखना है। तो ये 3.7 जो है, ये 3 और 4 के बीच में क्या होता है, लाई करता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3.7 इज लाई बिटवीन 3 एंड 4। ठीक है, 3 और 4 के बीच में क्या करता है, ये लाई करता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो 3 एंड 4 है इसको 10 इक्वल पार्ट में बांट के इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सो वी रिप्रेजेंट 3.7 इन बिटवीन 3 एंड 4। ठीक है, एंड इट डिवाइड्स इंटू 10 इक्वल पार्ट। अब यहाँ पे मैंने लिखा है, ये जो 3.7 है, ये 3 और 4 के बीच में आता है। ठीक है, तो अगर ये 3-4 के बीच में आता है, तो दैट मीन्स 3.7 जो है कहाँ पे लाई करेगा, दैट इज 3 एंड 4। ठीक है, और ये 3 एंड 4 को हम लोग 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, अभी मैं फिलहाल मार्कर से कर रहा हूँ और विदाउट स्केल कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग जब कॉपी में करोगे, ठीक है, तो इसको पेंसिल और स्केल से करना, एक प्रॉपर गैप होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज यहाँ पे 3 हो गया और यहाँ पे मैंने 4 ले लिया। ठीक है, या आप लोग ऊपर भी ले सकते हो, 3 और यहाँ पे मैंने 4 ले लिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, 3 के बाद क्या आता है, दैट इज 3.1, उसके बाद 3.2, उसके बाद 3.3, उसके बाद 3.4, उसके बाद 3.5, उसके बाद 3.6, उसके बाद 3.7, उसके बाद 3.8, उसके बाद 3.9, उसके बाद ये आ जाएगा, दैट इज 4। ठीक है, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप लोग को रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे देखो आप लोग, ये 3.7 जो है, ये 3 और 4 के बीच में आ रहा है, ये वाला। ठीक है, ये 3 और 4 के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो 3.7 मेरा रिप्रेजेंट हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे अब हम लोग लेंगे सेकेंड स्टेप में, 3.7 के बाद अब हम लोग लेंगे 3.76। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा, 3.76। तो अगर हम लोग इन दोनों को बात करें, 3.76 तो एक किसके बीच में लाई करता है, तो याद रखिएगा, अगर हम लोग इसको अगर देखें 3.76, तो ये 3.7 और 3.8 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे था, मैंने पूछा था 3.7 किसके बीच में लाई करता है, तो इसके पीछे नंबर क्या है, 3, और
4 के बीच में लाइक करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो आप लोग, अगर मैं पूछूंगा 3.76 किसके बीच में लाइक करता है, तो आप लोग बोला 3.7 और 3.8, मतलब एक कम लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इस लाइक बिटवीन 3.7 एंड 3.8। ठीक है, सो 3.7 एंड 3.8 इज डिवाइडेड इंटू 10 इक्वल पार्ट। ठीक है, अब इसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, उसके बाद रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसके बाद इसको अगर रिप्रेजेंट करें हम लोग नंबर लाइन में 3.76 है, तो हम लोग को 3.76 को 3.7 और 3.8 के बीच में लाइक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे, यहाँ पे 3.7 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा लास्ट में 3.8। तो यहाँ पे अब हम लोग इसको प्लॉट करते हैं, तो पहला नंबर क्या आएगा, दैट इज 3.71, उसके बाद आएगा 3.72। आप लोग स्केल से करना ताकि इसका प्रॉपर गेप हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे फिर कितना आया 3.73, उसके बाद 3.74, उसके बाद 3.75, उसके बाद 3.76, उसके बाद 3.77, उसके बाद 3.78, उसके बाद 3.79, उसके बाद 3.8 आ जाएगा। ठीक है, 3.8 आ जाएगा 7.9 के बाद। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग का नंबर क्या था 3.76, और यहाँ पे कहाँ पे लाइक कर रहा है, यहाँ पे लाइक कर रहा है, तो इसको हम लोग थोड़ा डार्क कर देंगे और राउंड कर देंगे। ठीक है, तो दैट मीन 3.76 मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया बिटवीन 3.7 एंड 3.8। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग करेंगे, हम लोग कितना तक करना, अप टू 5 तक। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग करते हैं, आप लोग तब तक नोट डाउन कर लो। अब यहाँ पे हम लोग थर्ड स्टेप देखते हैं। ठीक है, तो ये थर्ड स्टेप में क्या होता है, यहाँ पे 3.76 तक रिप्रेजेंट किए थे, अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं 3.765। ठीक है, तो 3.765 जो है वो किसके बीच में लाई करेगा, इज लाई बिटवीन 3.76, इतना एक छोड़ के लेना पड़ता है। ठीक है, इज लाई बिटवीन 3.76 एंड 3.77। ठीक है, अब यहाँ पे 3.76 और 3.77 के बीच में ये नंबर लाई करेगा। ठीक है, सो 3.76 एंड 3.77 इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट। ठीक है, अब इसके बाद जब 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो अब इसके बाद हम लोग नंबर लाइन बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर लाइन में क्या होगा, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है 3.76, तो यहाँ पे क्या होगा 3.76। ठीक है, और लास्ट वाला नंबर क्या है 3.77, तो 3.77। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पे पहला नंबर क्या आएगा 3.76 के बाद 1, उसके बाद 3.76 2, उसके बाद 3.76 3, उसके बाद 3.76 4, उसके बाद 3.76 5, उसके बाद 3.76 6, उसके बाद 3.76 7, उसके बाद 3.76 8, उसके बाद 3.76 9, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, दैट इज 3.77। ठीक है,
तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो ये जो नंबर है 3.765 ये कहाँ पे अप्लाई कर रहा है, यहाँ पे लाई कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे डार्क कर देंगे और राउंड कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोग जो क्वेश्चन नंबर वन है 3.765 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका कोई स्टेप्स होता है, ठीक है। पहले हम लोग पहला स्टेप क्या किए, हम लोग पहला स्टेप में 3.7 दिए और 3.7 किसके किसके बीच में लाई कर रहा है, 3 और 4 के बीच में। ठीक है, तो मैंने उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया। ठीक है, फिर मैंने और एक डिजिट बढ़ा के किया 3.7 लिया, 3.76 लिया, तो 3.76 किसके बीच में लाई कर रहा है, 3.7 और 3.8 एक ज्यादा लिया, तो अब उसको भी मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। फिर मैंने क्या लिया, ये पूरा लिया 3.765, तो ये तो 3.765 है, एक किसके बीच में लाई करेगा 3.76 और 3.77 एक ज्यादा लेना है लास्ट वाला से। ठीक है, तो इस तरह आप लोग क्या कर सकते हो, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो आज के वीडियो में मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया दैट इज एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को सिखाऊंगा दैट इज एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक लिए थैंक यू।